के लिए कर रहे हैं पर विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का मतलब क्या होगा? अब परिभाषा समझिए। परिभाषा, विराम चिन्ह का वास्तव में अर्थ होता है ठहरना, आराम करना और विश्राम। विश्राम ये अपना विराम, विराम का मतलब ही है आराम करना, ठहरना और विश्राम करना। तो अब हमें क्या करना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ उठना है, कहाँ आराम करना है? तो व्याकरण में विराम का मतलब होता है किसी भी वाक्य को स्पष्ट करने के लिए, किसी भी वाक्य को स्पष्ट करने के लिए या शब्दों का व्यवस्थित स्पष्टीकरण करने के लिए हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। और मुख्य विराम चिन्ह कौन कौन से हैं मैं आज आपको बताती हूँ। और सभी विराम चिन्हों का अभी हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। जैसे विराम चिन्ह का मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, ये हमारा विराम चिन्ह है। इसमें भी आज आपको मैं लिखना बताती हूँ कि ये जो चिन्ह शब्द है आजकल के बच्चे क्या करते हैं, इसमें हम क्यों ये ऐसा लिखवा रहे हैं, ये जो गलत है ये किसी भी वर्ड के अधूरे होने का आभास देता है। कोई भी हलंत अगर लगा है किसी वर्ड के नीचे तो मतलब ये जो ह है ये अधूरा वर्ड है, ये अधूरा वर्ड, अधूरा वर्ड ही हलंत के साथ आता है। तो वास्तव में जो चिन्ह शब्द है उसमें ये है बना के या न लगाया जाता है, लेकिन अभी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए हमने माना कि हमने इस चिन्ह को भी सही माना। अब विराम चिन्ह में मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ कि उसे रोको, उसे रोको मत जाने, एक साधारण वाक्य है, कोई उसमें रोक टोक नहीं है, लेकिन हमें अगर विराम चिन्हों का इसमें कैसे उपयोग करना है तो पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल जाने वाला है। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे लगा उसे रोको अल्प विराम मत जाने, आगे मैंने लिखा उसे रोको मत, यहाँ पे विराम चिन्ह लगा दिया, जाने एक ही वाक्य है लेकिन विराम चिन्हों का प्रभाव देखिए कि पूरे वाक्य का अर्थ आपके सामने बदल जाए। उसे रोको मत मतलब जाने के लिए मना किया जा रहा है, उसे रोको मत जाने, वाक्य पूरा बदल गया, उसे रोकना नहीं है, उसे जाने लेना है, यहाँ पे उसे रोको मत, उसे रोको मत यानी हमें रोकना ही है, यहाँ पे क्या उसे रोको मत जाने, नहीं जाने हो चुका है। दूसरा चीज हमारे पास है कोमा, जिसे आप
है उसे दही घी दही घी मक्खन ऐसा नहीं बोलना दही अल्पविराम घी अल्पविराम मक्खन अल्पविराम ये अल्पविराम हमें एक ही वाक्य में कई शब्दों का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। ये सुविधा हमें मिल जाती है कि हम एक ही वाक्य में एक या एक से अधिक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो हमारा चिन्ह है वो होता है इसमें अल्पविराम के ऊपर एक डॉट मार्क्स जैसा लगा दिया जाता है शून्य जैसा, इसको कहते हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम पढ़ाने की बहुत कोशिश कोशिश की। अब ये अधूरा ही वाक्य हुआ हम तो उसे पढ़ाने की बहुत कोशिश की। अब कोशिश की तो क्या हुआ फिर हमने आग्रह वह नहीं पढ़ा वह नहीं पढ़ा वह नहीं पढ़ा मैंने उसे पढ़ाने की बहुत कोशिश की वह नहीं पढ़ा यानी मैं अपना वाक्य इस तरह बोलूंगी उसे पढ़ाने की बहुत कोशिश रुकी एक क्षण से अधिक रुकी मात्र क्षणिक हुआ वह पढ़ा था। तो जहां पे क्षण से अधिक मात्र क्षणिक रुका जाए वहां पे अर्धविराम लगाया जाता है। इसके अलावा अपना अगला चिन्ह होगा अर्धविराम के बाद हम आपको ये एक साधारण चिन्ह देख ऐसा डैश आपने देखा होगा कई जगह इसका मतलब होता है निर्देशन 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 का मतलब क्या होता है किसी वाक्य को कोई उदाहरण द्वारा समझाया जाए। यदि हमने कोई वाक्य लिखा और साथ में उसको समझाने के लिए कोई उदाहरण दिया तो वहां पर निर्देशन किया जाता है। जैसे प्रधानाध्यापक ने कहा प्रधानाध्यापक ने कहा अब इनका वक्तव्य स्पष्ट करने के लिए हमें ये चिन्ह लगाया जाता है। प्रधानाध्यापक ने कहा अब ये वक्तव्य को स्पष्ट करने के लिए हमें एक निर्देशन देना क्या कहा उन्होंने आज विद्यालय बंद रहेगा आज विद्यालय बंद रहेगा। प्रधानाध्यापक ने कहा आज विद्यालय बंद रहेगा तो इनके वक्तव्य को स्पष्ट करने के लिए हमें एक विशेष निर्देशन निर्देशन का मतलब क्या होता है किसी वाक्य को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण द्वारा समझाया है तो प्रधानाध्यापक ने कहा आज विद्यालय बंद रहेगा ये हमारा हो गया निर्देशन। इसके आगे अपने पास और भी महत्वपूर्ण चीज है जो रोजमर्रा हमारे हिंदी में हमारे जीवन में हमारी पुस्तकों में हम देखते हैं पढ़ते हैं समझ में भी आता है उन निर्देशनों को समझने के लिए आगे हमारे पास एक चिन्ह है छोटा डैश आपने इसको देखा बहुत इसे कहते हैं योजक चिन्ह। योजक योजक का मतलब होता है बीच में से अव्यय को हटा देना बीच में से अव्यय हटा देना यानी सामासिक पद बनाना सामासिक समास में पढ़ा होगा आपने सामासिक पद क्या होते हैं किसी वाक्य को संक्षिप्त रूप से लिखना सामासिक पद या हमारे समास में आता है व्याकरण का एक शीर्षक का समास सामासिक पद का मतलब होता है माता और पिता। अब इसे हम सामासिक पद में लिखेंगे तो माता पिता सा सा ये जो योजक चिन्ह है ये इनके बीच का पद हटा देता है बीच का अव्यय हटा देता है और अव्यय हटा के इनको संक्षिप्त बना देता है और
एक हरा, दूसरा होता है दोहरा, दोहरा, एक हरा दोहरा का मतलब होता है, और इनका जो सिंबल है, जो लिखा रहा है उसको ऐसे लिखो, और जो दोहरा है उसे इनवर्टेड कॉमा बोलते हैं ऐसे लिखो। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? देखो इकहरा चिन्ह का मतलब ये होता है कि इसमें ज्यादातर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है, किसी वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष पुस्तक की जानकारी देने के लिए हमें इकहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे? हम लिखते हैं उदाहरण, देखो तुलसी प्रत रामायण। अब ये जो रामायण शब्द है विशेष है, तुलसी प्रत रामायण अवधि भाषा में है, अवधि भाषा में है, ये इकहरे उद्धरण का चिन्ह है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है कि किसी भी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष दशा, विशेष अवस्था को व्यक्त करने के लिए इकहरे उद्धरण का प्रयोग किया जा रहा है, जो हमारे विराम चिन्हों का ही एक प्रकार है। फिर है दोहरा। दोहरे में क्या होता है उदाहरण समझिए, दोहरा उद्धरण चिन्ह समझने के लिए हमें क्या करना होगा? ये जो दोहरा उद्धरण चिन्ह है ना, ये किसी वाक्य को व्यक्त करता है, यानी किसी व्यक्ति द्वारा बोली गई विशेष बात को ज्यों का त्यों दूसरों को स्पष्ट किया जाए, जिसे दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, उदाहरण देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे हमने पढ़ा था, कौन सा चिन्ह आएगा? निर्देशन। क्या कहा? उदाहरण देखो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, निर्देशन चिन्ह क्या कहा? तो उनके वक्तव्य में हमें अपनी तरफ से कोई मिलावट नहीं करनी है, अपनी तरफ से कोई शब्दों का योग नहीं देना है, उनके वक्तव्य को जो का त्यों बोलना है, तो हमें दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये हमने उदाहरण से बंद कर दिया। अब तुम मुझे खून दो, यहां थोड़ा रुकना पड़ेगा, तो हमने पढ़ा था अल्प विराम, जहां पर क्षणिक विराम लिया जाए, थोड़ा सा हल्का सा आराम लिया जाए, वहां पर अल्प विराम, और जहां पर वाक्य की पूर्णता हमें पता चल जाए कि यह वाक्य पूर्ण हो चुका है, वहां पर पूर्ण विराम। और चूंकि अब हम उद्धरण चिन्ह पढ़ रहे हैं और दोहरा उद्धरण चिन्ह पढ़ रहे हैं, तो सुभाष चंद्र बोस के वक्तव्य को जैसा का तैसा प्रकट करने के लिए हमें व्याकरण का जो प्रयोग है वह उद्धरण चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये हमारे हिंदी मानक का व्याकरण का विशेष है कि वह हर शब्द के लिए एक वैज्ञानिक तथ्य है, एक एक शब्द को व्यक्त करने के लिए व्याकरण में इतना अच्छा प्रयोग बताया गया है कि हम एक बहुत अच्छे हिंदी का प्रयोग हमारे जीवन में कर सकते हैं। इसके लिए एक एक चिन्ह का बहुत महत्व है, और ये चिन्ह हम रात दिन देखते हैं। अब अगला जो चिन्ह हमारा है वो चिन्ह का ये आपने बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ा। कहां पे देखते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। इनका प्रयोग कब होता है? जब वाक्य में कौन, कब, क्या, कहां, किसको, कितना, ये सब क्या है? ये सब विराम चिन्ह के अलावा विराम चिन्ह के अलावा अपने व्याकरण में इनका प्रयोग कब किया जाता है? ये कौन से शब्द है? ये वे शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर आ सकते हैं, और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आ सकते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक शब्द। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आ सकते हैं वे सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये सारे शब्द संज्ञा की जगह ले सकते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक शब्द भी कहते हैं। और यदि वाक्य
किया जाता है। व्याकरण अपने आप में एक गुंथी हुई माला है। अगर आप एक व्याकरण का शीर्षक समझोगे तो उसके साथ आपको तीन चार व्याकरण के शीर्षक स्वतः ही समझ में आ जाएंगे, क्योंकि यदि व्याकरण को समझना है तो व्याकरण की परिभाषाओं को ध्यान रखो। अब हमें सार्वनामिक शब्दों की जानकारी कैसे हुई, इसके लिए हमें सर्वनाम की परिभाषा आनी चाहिए। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और यह जानकारी हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, लिंग, वचन, इन सबकी परिभाषा आती हो, वाक्य, शब्द। ये सारी परिभाषाएं व्याकरण का मूल तत्व है, सार है, रस है ये व्याकरण का। ऐसा समझ लो ये रस ही हमारी हिंदी को सुदृढ़, समृद्धशाली और राष्ट्रभाषा के निर्माण में सहयोग करता है। आगे हमारा जो चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद जो हमारा विशेष चिन्ह है, जिनका हम अधिकाधिक प्रयोग देते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो क्या है? ये चिन्ह को सभी समझते हैं, पढ़ा है हमने। इसे कहते हैं विस्मयादि, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब इसका एक दूसरा नाम है संबोधक चिन्ह। संबोधक चिन्ह का मतलब क्या होता है? किसी को संबोधन करने का है, संबोधन है किसी को बुलाने का, किसी को कुछ कहने का, किसी को कोई व्यक्त करने का, भाव व्यक्त करने का, ये सारे चिन्ह होते हैं। विस्मय आदि को विस्मय करना है ना आश्चर्य। अब विस्मय आदि बोले की परिभाषा क्या हो जाएगी? जब व्यक्ति को दुख, खुशी, उमंग, उल्लास या पीड़ा होती है तब जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है ये सारे क्या होते हैं? विस्मय आदि। उदाहरण समझिए, हाय वाक्य यहां से शुरू होता है, अरे वाह, ओहो, देख, ये सारे चिन्ह विराम चिन्ह हैं और इनको विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह का एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह हमेशा वाक्य के प्रारंभ में लगता है। वाक्य उसके बाद प्रारंभ होता है, वाक्य का जो प्रारंभ है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह से होता है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। यानी ये हाय दुख को प्रकट करता है, अरे आश्चर्य को प्रकट करता है, वाह खुशी को प्रकट करना, अहो चकित होने को व्यक्त कर रहा है। ये सारी चीज विस्मयादि बोधक का सबसे मेन बात यह है कि यह वाक्य के प्रारंभ में ही आ जाता है, तो आपको ये समझने में देर नहीं लगती है कि अंक चिन्ह का नाम क्या है और वाक्य की पूर्णता होने के बाद विराम चिन्ह लगाया जाता है, ये भी आपको समझ लिया। इसके बाद जो हमारा अगला चिन्ह है उसको हम कहते हैं, आपने देखा ये जो छोटा सा घोड़ा है ये क्या चिन्ह है? आपने देखा होगा, उदाहरण समझिए, फिर मैं आपको इसका नाम बताती हूँ। आप लिखते हो डॉक्टर कैसे, ठीक है, अल्पविराम। आप पंडित लिखना चाहते हो तो ये ऐसा छोटा चिन्ह लगा देते, आप इंजीनियर लिखना चाहते हो तो आप एक छोटा चिन्ह लगा देते, आप गुजरात लिखना चाहते हो तो ये छोटा चिन्ह लगा देते। तो ये चिन्ह है क्या, इसकी इतनी महत्ता है, तो इस चिन्ह का नाम क्या है? इस चिन्ह को कहते हैं लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह। लाघव का मतलब होता है किसी शब्द को लघु करना, छोटा करना, छोटा करना, लघु करना, छोटा करना, लघु, लघु का मतलब ही छोटा होता है, लघु, लघु का मतलब ही छोटा करना होता है। लाघव चिन्ह का काम है किसी भी बड़े शब्द को छोटे रूप में लिखने का जो तरीका है, छोटे रूप में लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे लाघव चिन्ह कहते हैं। और रोजमर्रा दैनिक जीवन में, पुस्तकों में, पढ़ने में, कहानी में, नाटक में इस लाघव चिन्ह का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम एक चिन्ह का बहुत प्रयोग करते हैं, ये देखिए, एरो बोलते हो ना, हम इसको दिशा निर्देशक चिन्ह बोलते हैं, दिशा निर्देशक। ये क्या करता है? आपने
निर्देशक का मतलब होता है किसी उदाहरण को प्रस्तुत करना और निर्देशक का मतलब होता है दिशा की ओर संकेत करना। दोनों के अर्थ में भिन्नता है, समझने का हाल इतना ही है, शब्द को लिखित रूप में देखो, निर्देशक और निर्देशन। निर्देशक का मतलब होता है किसी भी वाक्य को उदाहरण द्वारा व्यक्त करना और निर्देशक का मतलब होता है किसी भी दिशा की ओर संकेत करना। ये हमारे दैनिक जीवन में हम रोज सड़क पे जाते हैं, चलते हैं, वाहन में जाते हैं, तो ये एरो हमें देखने को मिलता है, तो दिशा निर्देशक चिन्ह होता है। इसके अलावा हमारे पास और चिन्ह है, इसके अलावा इन चिन्हों के अलावा हमारे पास एक चिन्ह है, ये इस चिन्ह का नाम विस्मरण चिन्ह, विस्मरण चिन्ह। विस्मरण का मतलब क्या है? भूल जाना। विस्मरण का मतलब होता है भूल जाना, और इस चिन्ह का प्रयोग करने से यदि वाक्य को लिखते समय कोई शब्द हमसे गलती से छूट जाए जो वाक्य की आवश्यकता है और उसे हम बाद में लिखना चाहें तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसमें विस्मरण चिन्ह कहते हैं। यानी वाक्य में यदि कोई शब्द हमसे छूट गया है तो अगर इस चिन्ह का प्रयोग करके हम उस वाक्य को दोबारा लिखते हैं, वह चिन्ह का शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से गलत नहीं माना जाएगा। यदि हमने लिखा, उदाहरण देखे, कल वह जाएगा, ठीक है, साधारण वाक्य, लेकिन हमने क्या किया इसमें, यहाँ पे छोटा जयपुर, यहाँ पे कल का है जयपुर जाएगा, तो ये जयपुर घुसा दिया। व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य गलत है। अगर हमने यही वाक्य कल वह अब हमसे छूट गया तो हमने लिखा जाएगा और हमें लिखना है कल वह जयपुर जाएगा, तो हमने ये विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया, कल वह जयपुर जाएगा, तो यह व्याकरण की दृष्टि से यह वाक्य बिल्कुल उचित माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें हमने व्याकरण के नियम का पालन किया और व्याकरण के नियम में यह चिन्ह विस्मरण चिन्ह कहलाता है। यदि वाक्य में कोई शब्द गलती से हमसे छूट जाता है तो वाक्य की पूर्णता के लिए हमें विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। अब अगर अपना चिन्ह है उसको आप बहुत यूज करते हो, गणित में तो विशेष रूप से समानता का चिन्ह, इसको हिंदी भाषा में कहते हैं तुल्यता चिन्ह, तुल्यता चिन्ह। ये दो समान शब्दों को व्यक्त करने का तरीका है। कैसे हम क्या लिखते हैं, मैं ऐसा लिखते तो टू इज इक्वल टू, ऐसा लिखते हो ना कि ये इसके समान है, वैसे ही हम हिंदी में क्या लिखते हैं, देवता माता। ये जो देवता है ये किसके समान है, माता पिता के समान है। देवता किसके समान है, माता पिता के समान है, अथवा माता पिता किसके समान है, देवता के समान है। यानी तुलना में वाक्य के कहने का तात्पर्य है, यदि तुलना में समानता हो, यदि दोनों में समान भाव व्यक्त करना हो तो ये तुल्यता यानी तुलना करने वाला समानता का चिन्ह के बीच में लगा दिया जाता है। व्याकरण में से तुल्यता चिन्ह कहते हैं। तुल्यता का मतलब होता है एक शब्द दूसरे शब्द के बिल्कुल समान है। इसके अलावा हमारे पास आगे चिन्ह है, इसको हम बोलते हैं पोस्टर। मैथ्स में हमने पढ़ा है पोस्टर। पोस्टर का मतलब देखो क्या हुआ, पोस्टर आगे बढ़ेंगे, छोटा पोस्टर, फिर मंजिला पोस्टर, फिर बड़ा पोस्टर, ये आप मैथ्स में पढ़ते हैं। पोस्टर का मतलब क्या होता है, हिंदी वाक्य में यदि अंकों का प्रयोग किया जाए या अवधि का प्रयोग किया जाए तो हम उसे पोस्टर द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ये वाक्य की सुविधा के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे मुझे अब हमने लिखा 500 रुपए, तो हमने यहाँ वाक्य की शुद्धता के लिए सामने वाले को वाक्य को स्पष्ट करने के लिए मुझे 500 रुपए चाहिए, ये हमने वाक्य को स्पष्ट करने के लिए या सामने वाला वाक्य आसानी से समझ सके इसके लिए हमने अंक को व्यक्त करने के लिए
उदाहरण देखें, इंद्र ने कहा, तो यहां पे पोस्टर में नाटकों में आता है हस्त से, मतलब इंद्र ने गुस्से से कहा ये व्यक्त करने के लिए हस्त से, तो हम ये पोस्टर में इंद्र ने कहा तो सही पर किस भाव से, तो भावों को व्यक्त करने के लिए कई बार नाटक विधा में पोस्टर का प्रयोग किया जाता है, यानी व्यक्ति अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में आसानी से पोस्टर का प्रयोग करता है, तो हमें वाक्य के कथन के अलावा व्यक्ति के भाव का भी पता चलता है। इसके अलावा हमारे पास एक चिन्ह है किया जाता है। अब आपको